कहिए कैसे हैं आप। कल मैं किसी काम से अपनी एक फ्रेंड लेडी डॉक्टर है उनके पास गई हुई थी, तो उनके पास पेशेंट आया, एक लेडी थी और एक उनका बेटा। तो वो लेडी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप देखिए, ये इसके सांस भी फूलती है, इसको थकावट सी रहती है, तो इसका चेकअप कर लीजिए और मेरा भी कर लीजिए, मेरे को भी यही प्रॉब्लम रहती है कि मेरी सांस भी फूलती है, थोड़ा सा काम करती हूँ और वजन भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, और आप चेक कर लीजिए। तो डॉक्टर ने पूछा उनसे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो बोले हीमोग्लोबिन वो क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब इतने अवेयर भी नहीं है हम कि हमारे शरीर में खून कितना है। तो डॉक्टर ने जब उनका चेक करवाया, उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया, तो दोनों का, मतलब मम्मी का और उनके बेटे का, दोनों का बहुत कम था, मतलब एक का 8 था और एक का 10 था। तो आप देखिए, अब उन्होंने क्या कहा लेडी ने कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे टेस्ट लिख दीजिए, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें दिक्कत नहीं है, पैसे की बात नहीं है। मैं उस समय ये सोच रही थी, मैंने कहा पैसे की बात नहीं है, बात है आपकी जानकारी के अभाव की, आपको नॉलेज ही नहीं है, पैसा क्या करेगा जब आपके अंदर खून ही नहीं होगा। वैसे मैं एक न्यूज भी पढ़ रही थी, ये सर्वे है 2015-16 का, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, फिलहाल तो मैं हरियाणा का पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा हुआ था कि मोटापा दुगना हुआ है, जो पहले 10% था अब वो 20% हो गया। और वैसे बात ये हरियाणा की नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वे था, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो था 2015-16 का, ये पूरे इंडिया का ही हुआ था और फैमिली सर्वे था, और इसमें ये भी था कि हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई आदि शहरों में भी जो लेडीज हैं उनका मोटापा दुगना हुआ है। और जिसके रीजंस भी उन्होंने लिखे हैं कि पैदल कम चलना और शारीरिक मेहनत, फिजिकली जो हम मेहनत कम हो रही है, और संतुलित खाना न लेना, प्रॉब्लम संतुलित खाना न लेना। और इसके साथ साथ हरियाणा की एक और भी न्यूज मैंने पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ था कि हरियाणा में 63% लेडीज, मतलब एनीमिक है, खून की कमी से जूझ रही 63% लेडीज, और 55% जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो एनीमिक है, मतलब 63 जर्नल और 55 प्रेग्नेंट लेडीज। और इसके अलावा सबसे हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि 20% मेल पुरुष एनीमिक है, मतलब मेल भी एनेमिक है। तो अब जरूरत किस बात की है, लाइफस्टाइल को बदलना होगा, हमें अपना खान पान बदलना होगा, उसकी तरफ पूरा ध्यान देना होगा, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है पर बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी। तो आज तो मैं इसी विचार के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ कि जरूर सोचिए, अब नया साल भी आने वाला है, हमें अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, और स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, जरूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक